कानपुर के अपराधियों में अब पुलिस का भय खत्म होता नजर आ रहा है। बता दें, एक युवक ने सरेआम मारते हुए युवती को सड़क पर घसीटते हुए अगवा करने का प्रयास किया। साथ ही दिल्ली का साक्षी हत्याकांड जैसा कांड करने की धमकी देकर युवक मौके से फरार हो गया। बता दें, जूहीलाल कॉलोनी के दरोगा लाइन स्थित शंकर फर्नीचर के सामने ईएसआई बीमा के पास युवक ने युवती से छेड़छाड़ करते हुए सड़क पर घसीटा, जिसकी तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हुआ। बता दें, युवक पहले से ही युवती को मोबाइल पर बंदूक और असलहों की फोटो खींचकर लड़की को जान से मारने की धमकी देता रहता है। फिलहाल युवती ने युवक के खिलाफ किदवई नगर थाने में तहरीर दी है। ये मामला किदवई नगर थाना क्षेत्र के अंतर्गत जूहीलाल कॉलोनी का है। बेटा, कौन सी जगह है ये? बीमा लाल कॉलोनी। क्या क्या हुआ है मामला पूरा? हम सर काम पर से आ रहे थे, इसने यहाँ पे मेरे साथ बदतमीजी की, गलत सज्जी का हाथ लगाया था और मेरा फोन छिना के भाग रहा था। क्या किस तरह की? पहले भी कई धमकी देता है, पूछा कर पहले धमकी देते, कह रहा है जैसे तुम्हारे दिल्ली वाला काम हो वैसे तुम्हारे साथ भी करेंगे। मेरे पास वीडियो फोटो वोटो सब भेजता, रिकॉर्डिंग। अच्छा, भेजता किस तरह की रिकॉर्डिंग भेजता है? वीडियो ये मेरे पास बंदूक की फोटो भेजता है। क्या धमका था? आज क्या हुआ पूरा मामला बताओ। आज हम आ रहे थे काम पर से, मैं इधर से आ रहे थे और इसने यहाँ पे मुझे पकड़ा और क्या बोलते फोन जिना ले, कह रहा है चलो वरना हम तुम्हें जान मार देंगे, धमकी दे रहा था मुझे। पुलिस आई मोगी? हाँ, पुलिस आ गई।